गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हमने चैप्टर 4 द ओल्ड क्लोक शॉप के समरी पढ़ ली थी। इसकी स्टोरी पूरी हिंदी में ट्रांसलेट कर ली थी, तो इसके कुछ क्वेश्चन जो थे वो लेफ्ट थे, तो आज हम इसके क्वेश्चन से करेंगे। और जिन्होंने स्टोरी बहुत अच्छी तरह समझी है उनके लिए क्वेश्चन से करना बहुत ही ईजी हो जाता है। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन। वट मेड रे थिंक द विजिटर वॉज नॉट रियली अ शॉपर? रे को ऐसी क्या वजह थी कि रे को लगा कि जो विजिटर है वो एक ग्राहक नहीं है? आंसर, रे वाज डिफेंडम। जो रे था वो डिफोडम था, गूंगा और बहरा था, बट अ गुड जज ऑफ मैन, लेकिन उसे इंसानों की बहुत अच्छी पहचान थी। हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट द न्यू विजिटर टू हिज शॉप एट द लेट आवर वॉज नॉट अ शॉपर और कस्टमर। लेकिन उसकी बूढ़ी आंखों ने यह पहचान लिया था कि जो उसके शॉप में विजिटर अभी आया हुआ है वो कोई ग्राहक नहीं है। देयर वॉज नो फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, क्योंकि उसकी आंखों में उसे किसी भी तरह की कोई मित्रतापूर्वक भाव नहीं दिख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप? क्या सोच के वो दुकान में आए थे? द विजिटर हैड नॉट कम टू द शॉप टू बाइंग एनी थिंग। जो विजिटर था वो दुकान में किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए नहीं आया था। परहैप्स हिज इंटेंशन वॉज टू लूट द ऑनर ऑफ हिज गेस्ट, और उसके जो वास्तव में उसके जो इंटेंशन थे वो ऑनर के गेस्ट को लूटना था। ही वॉज इन डायर नीड ऑफ मनी, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम? जो रे था वो उसके साथ कैसे संप्रेषण कर रहा था, मतलब कैसे बातचीत कर रहा था? आंसर, रे कुड नाइदर स्पीक नॉट हियर। रे जो था वो ना तो बोल सकता था और ना ही कुछ सुन सकता था। सो ही कम्युनिकेटेड विद हिज कस्टमर बाय राइटिंग हिज मैसेज ऑन अ नोट पैड। सो वो इसलिए वो जैसे किसी भी कस्टमर से संप्रेषण करता तो वो राइट करता था नोट पैड के ऊपर जो भी मैसेज उसको देना होता था। द विजिटर ऑल्सो रोट हिज रिप्लाई ऑन पेपर, और जो विजिटर वहाँ पे आया हुआ था वो भी अपने रिप्लाई उस पेपर के ऊपर ही लिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर? क्या सोचकर मैन ने जो था वो अपनी फ्रेंड से बातें करी जो वेट कर रहा था डोर की तरफ? द ओल्डो मैन पॉइंटेड टू हिज ईयर एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने अपने ईयर जो थे वो पॉइंटेड कर लिए थे और अपना जो हेड था उसे हिला रहा था। दस ही कन्वेड टू हिज यंगर कंपेनियन दैट द शॉप ओनर कुड नाइदर हियर नॉर स्पीक। शायद वो उसे कन्वे कर रहा था, जो दरवाजे के पास यंग मैन खड़ा था उसे कन्वे कर रहा था कि जो जो शॉप ऑनर है वो ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वाई देन डिड ही लैंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेस एंड क्लोक? जो रे था वो एक साहूकार नहीं था, बट क्यों वो जो था वो लोगों की चीज़ें एक्सचेंज करके उनसे पैसे ले लेता था, लाइक वो कोई ओल्ड वॉच या क्लॉक रख लेता था और उन पैसे दे देता था। आंसर, रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, मतलब रे जो था वो साहूकार नहीं था। अ पर्सन हु लैंड मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ सम आइटम, ही डिड नॉट लैंड मनी ऑन इंटरेस्ट। मतलब जो भी व्यक्ति उसके पास सिक्योरिटी के रूप में कुछ रखता वो उसे पैसे दे देता और उस पैसे में वो इंटरेस्ट भी नहीं लगाता। ही वॉज हाउ एवर काइंड एंड हेल्पफुल, ही कुड नॉट से नो टू द नीडी पीपल। वह जो था वो बहुत ही दयालु और मदद करने वाला व्यक्ति था और वह कभी भी किसी भी जिस नीडी पीपल को कभी भी ना नहीं बोल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड इट हैड ग्रेट पावर, इन व्हाट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर? मतलब कि जो वॉच थी उसकी कोई स्पेशल पावर नहीं थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, है ना, लेकिन किस सेंस में उसकी पावर जो थी वो शो हो रही थी? नाउ द आंसर, द वॉच वॉज जस्ट ऑर्डिनरी, जो वॉच थी वो बिल्कुल साधारण थी, बट इट हैड द पावर टू पुल अ पर्सन आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। लेकिन इसमें इतनी पावर थी कि वो व्यक्ति को उस बुरी सिचुएशन से बाहर निकाल सकती थी। द ओल्डर मैन गॉट द मनी ही नीडेड विदाउट हर्टिंग रे, और जो ओल्डर मैन था उसने भी बिना हर्ट किए रे से वो पैसे ले लिए। द गॉर्जियस स्पीकर द जेनरस शॉपकीपर ऑल्सो एस्केप फिजिकल इंजरी, इन दिस सेंस द वॉच हैड ग्रेट पावर, इसलिए उस जो घड़ी की पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? क्या आपको लगता है कि जो ओल्ड मैन था वो घड़ी वापस लेने आएगा? आंसर, नो, इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट द ओल्डर मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप
हिज वॉच. नहीं, ये बहुत ही अनलाइकली है कि जो ओल्ड व्यक्ति है वो अपनी घड़ी वापस लेने आएगा. ही हैड आफ्टर ऑल गॉट अ प्राइस हायर देन द वॉच वॉज वर्थ फॉर, क्योंकि उसे जो थे वो उस घड़ी की कीमत से भी ज़्यादा पैसे मिले थे. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली. कब जो था वो अनफ्रेंडली फेस विजिटर का फ्रेंडली में टर्न हो गया था. द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न फ्रेंडली व्हेन ही गोट अ $50 नोट फॉर हिज ऑर्डिनरी वॉच. जब उसे साधारण घड़ी के जो थे वो $50 मिल चुके थे, तब विजिटर का फेस अनफ्रेंडली से फ्रेंडली हो गया था. ही फेल्ट ओबलाइज एंड हैप्पी. अब वो बहुत ज़्यादा कृतज्ञ और खुश महसूस कर रहा था. आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन एंड यू लाइक माई क्लासेज. सो प्लीज़ कंटिन्यू द क्लासेज डेली एंड गुड बाय.